सेकेंड पॉइंट, और जो नॉर्मल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के परसेप्शन है ना, लोगों के जो अंडरस्टैंडिंग है, लोगों के गुमान है, उससे बहुत अलग पॉइंट है ये, और वो है अवॉइड ट्राइंग टू बी पॉपुलर। मतलब पॉपुलर बनने की कोशिश को अवॉइड करो। होता क्या है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एक शैलो अप्रोच होता है जो आपको बहुत लोगों में दिखाई देगा। कई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी जो है ना बहुत शैलो होती है, पॉपुलर कैसे बने की ट्रेनिंग होती है, जबकि सही बात यह है अवॉइड ट्राइंग टू बी पॉपुलर। मतलब पॉपुलर बनने की कोशिश ही मत करो। होता क्या है, जब एक इंसान पॉपुलर बनने की कोशिश कर रहा है तो उसके जहन में क्या है, उसके जहन में मैं है, आई। अब सामने वाला अपनी बात कर रहा है और इसका जहन सोच रहा है कि मैं कैसे पॉपुलर बन सकता हूं। मतलब यहां क्या बात है कि वैसे लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सामने वाले की बात सुनना, समझना, गौर करना नहीं। वो टाइम पे कोई भी इंसान यही चाहेगा ना कि मैं इससे बात कर रहा हूं, वो मेरी बारे में सोच रहा है, मेरी बारे में सुन रहा है। लेकिन जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है ना, वो टाइम पे भी खुद के ही बारे में सोच रहा होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो ट्राइंग टू बी पॉपुलर वाली चीज है ना, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा होता है, और वो प्रॉब्लम होता है आर्टिफिशियलनेस। जो आदमी नहीं है वो दिखाता है, और इसके अंदर एक टाइप का फ्रॉड होता है, एक टाइप का झूठ होता है, एक टाइप का दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली चीज है, कंफर्टेबल नहीं होता है इंसान। तो हम देखते हैं कि ट्राइंग टू बी पॉपुलर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ट्राइंग टू बी पॉपुलर जब कोई होता है तो उसके अंदर दिखावे वाली चीज होती है, रियल नहीं होती है। वो कई चीजें सिर्फ बोलने के लिए होती है, और कई चीजें होती है जो एक इंसान सिर्फ एक सोसाइटी में, एक सर्कल में जहां उठता बैठता है तो ही वॉन्ट्स टू बी पॉपुलर, तो कई चीजें वैसी करेगा जो अननीडेड है, जो गलत है। अच्छा ये बताओ, क्या इसका ये मतलब है कि हम कहेंगे ओके आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, सही बात है कि नहीं है? डोंट ट्राई टू बी पॉपुलर, सही है कि नहीं है? सही है, दैट मींस वी डोंट केयर अबाउट एनीवन। सही है गलत है? नहीं, वो दूसरा एक्सट्रीम है। कुछ लोग होते हैं ना, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉपुलर, वो पॉपुलर बनने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो दूसरे एक्सट्रीम पे होते हैं कि बोलते हैं आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। तो दोनों में से कौन सा एक्सट्रीम सही है? ये वाला अप्रोच सही है कि डोंट ट्राई टू बी पॉपुलर, या पॉपुलर बनने की कोशिश करो, ये वाला एक्सट्रीम सही है, या वो एक्सट्रीम सही है कि आई डोंट केयर अबाउट एनीवन? हाँ, अब क्या होता है ना कि एक एक्सट्रीम से लोग दूसरे एक्सट्रीम पे डायरेक्ट चले जाते हैं। तो सही बात क्या है, अपने आप को बीच में होल्ड करो, वो एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे मत जाओ, दरमियान में अपने आप को होल्ड करना, यही सही पर्सनैलिटी की निशानी है। और हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो रियल असरदार पर्सनैलिटीज आए ना, दे वर नॉट शैलो पीपल, जो दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके अंदर रियल इंट्रिंसिक वर्थ हुआ करती थी। और सबसे बड़ी जो मिसाल हम देखते हैं कि आप देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके बारे में अमेजिंग, यानी आप अमेजिंग देखेंगे। मैं आपको दो तीन मिसालें सिर्फ बता रहा हूं जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है और हम सबको इंस्पायर करेगी अगर हम स्टडी करें। बल्कि मैं दावत देता हूं कि अगर किसी ने अब तक नहीं पढ़ा है तो जरूर उनकी बायोग्राफी या लाइफ पढ़ें। मिसाल के तौर पर उनके कंपेनियन उमर रदियल्लाहु अन्हु उनसे मिलने आए, और मिलने आए वो उस टाइम पर जो पर्सनली उनकी जगह पर थे, एक जगह पर रेस्ट कर रहे थे, सोकर उठे थे। सही बुखारी में हदीस है, उमर कहते हैं कि मैंने देखा कि वो सो के जो उठे थे तो चटाई पे सोए थे और उनके बॉडी पर वो चटाई के निशान थे। तो उमर ने जब देखा, कहा कि मैंने जब वो रूम में नजर घुमा के देखी, मैंने देखा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब थोड़ी सी कुछ जौ यहां पड़ा है, कोई एक बैग में कोई एक चीज लटक रही थी और बाकी कुछ भी नहीं था। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन अल कैसर वल किसरा फिर सिमार वल अनहार वांता रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कैसर है, जो सीजर है, सीजर ऑफ रोम, और किसरा है जो खुसरो है ऑफ पर्शिया, फिर सिमार वल अनहार, वो तो बागात में, नहरों में आराम मौज मस्ती में वो लोग, वांता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं और ये आपके पास है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह तौरदा इब्न अल खताब, ए खताब के बेटे, अल्लाह तौरदा, क्या तुम खुश नहीं हो? अन तकुना लनल आखिरा व लहुम दुनिया, कि हमारे लिए आखिरत है उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए लाइफ आफ्टर डेथ है, वहां की असल कामयाबी है उनके लिए दुनिया है। आंट यू हैप्पी विद दिस?
क्या तुम इससे खुश नहीं हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं खुश हूं इससे। हम क्या देखते हैं कि अगर हम में से कोई शायद होता वहां पे, बोलते कि देखो आपका ये हाल, तो शायद कोई कहता कि हाँ देखो मेरा हाल क्या है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हुए, बल्कि उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, उनसे मुतासिर हुए नहीं बल्कि उनको मुतासिर कर दिया कि कल जाके जब वो उमर रदियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो क्या मामला है। जब गए थे जेरूसलम वहां की चाबी लेने के लिए, तो क्या हुआ था, उन्हें कहा गया था उस टाइम पर, आप देखेंगे हदीस में वर्ड्स मिलते हैं, कहा गया कि आप ये ऊंट पर है, इसकी जगह ये घोड़े पे आ जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़े कपड़े बदल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है इज्जत यहां से है? नहीं, इज्जत तो वहां से है। हाँ, ये उनका जो था मामला कहां से आया, वो उस ट्रेनिंग से आया था, उस इंसिडेंट से आया था कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका था कि रोने की इसमें क्या बात है, इसमें कोई चीज नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि वो जो इन्फ्लुएंस करने वाली चीज, कि एक बार क्या हुआ, मुस्नद अहमद की हदीस है, एक शख्स ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, माशाअल्लाह व माशीत, जो अल्लाह चाहता है और जो आप चाहते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना ये, कहा कि क्या तुमने मुझे और अल्लाह को बराबर कर दिया, बल माशाअल्लाह वहदा, नहीं ये कहो अल्लाह जो अकेला चाहता है। तो यहां क्या मामला है, ये एक बात मिल रही है कि एक चीज होती है ना कि कई बार लोग है ना, जब दूसरों की बात होती है तो करेक्ट करते हैं कि नहीं ऐसा मत बोलो, खुद की बात होती है तो नहीं करेक्ट करते। लेकिन यहां उनकी खुद की बात हो रही जो अल्लाह चाहता है, जो आप चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अल्लाह के बराबर मुझे मत करो, अल्लाह अकेला जो चाहता है। नाराज हो गए, बल्कि वर्ड्स के अंदर नाराजगी है, क्या तुमने मुझे अल्लाह को बराबर कर दिया, ये नाराजगी वाले वर्ड्स है, मतलब नाराज होकर करेक्ट किया। हम क्या देख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकली समझाया उन्होंने प्रैक्टिकल सिचुएशन में। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल लोग ऐसे नहीं होते हैं, ये रियल लोगों की निशानी है। एक बार ऐसा हुआ, सही बुखारी की हदीस है कि उनके खुद के बेटे इब्राहिम की मौत हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा बेटा था इब्राहिम, उसकी बचपन में ही डेथ हो गई। और हुआ ये कि जिस दिन डेथ हुई उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ, लोग कहने लगे कसफति शम्स लिमौत इब्राहिम, ये सूरज ग्रहण इब्राहिम की मौत की वजह से हुआ है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम का दिन था, ऑब्वियस बात है, उनके कंपेनियंस ने देखा था, उनकी आंखों में आंसू भी आए थे उस दिन। और उस दिन जब उन्हें खबर मिली कि ये लोग ये कहने लगे हैं कि ये सूरज ग्रहण इब्राहिम की मौत की वजह से हुआ है, ये सूरज भी गम में है, ये सूरज भी तकलीफ में है और इसी वजह से ग्रहण में है, ये शोक है, ये मौन कर रहा है। तो उन्होंने लोगों को जमा किया और कहा अय्युहन नास, ए लोगों, इन शम्स वल कमर ला यनकसिफानी लिमौत अहदिन वला लिहयातिही, ये सूरज और चांद ग्रहण नहीं करते किसी की मौत की वजह से ना किसी की जिंदगी की वजह से। जब तुम ग्रहण होते देखो, एक्लिप्स होते देखो, तो अल्लाह से दुआ करो, नमाज पढ़ो। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब खुद के बच्चे की, खुद के घर की बात थी, अगर कोई बोगस आदमी होता, जो आज बहुत से लोग होते हैं ना जिनको अपनी खुद की पर्सनैलिटी बताने में बहुत इंटरेस्ट होता है, खुद के सेल्फ प्रेज में बहुत इंटरेस्ट होता है, चीजें गैदर करने में इंटरेस्ट होता है, पॉपुलर बनने में इंटरेस्ट होता है, वह ऐसे मौके को नहीं छोड़ता। अगर कोई ऐसा नॉर्मल पर्सन होता आज दुनिया का, जो शैलो पर्सनैलिटीज है, जो आज दुनिया में बहुत सारे हैं, बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम में शैलो बनने की ट्रेनिंग दी जाती कई बार, मतलब डेप्थ नहीं होती पर्सनैलिटी में, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन है बी रियल, बी रियल। तो क्या है, डोंट ट्राई टू बी पॉपुलर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर उल्टा करेक्ट कर दिया कि लोग तो बोलते हैं ना सूरज और चांद, वो नहीं सितारे गर्दिश में है, हाँ मेरे तो सितारे गर्दिश में, अब सितारे दूर की बात। उन्होंने कहा सूरज और चांद से भी किसी के जीने और मरने से फर्क नहीं पड़ता। अब हालांकि ऐसा मौका अगर कोई ऐसे फेक पर्सन को मिलता तो जरूर कह देता कि हाँ देखो मेरे बेटे की मौत हुई, आज सूरज भी तकलीफ में है, बड़ी बात है ना, सूरज ग्रहण हो रहा है सेम डे, कोइंसिडेंस, सूरज ग्रहण रोज रोज तो नहीं होता है। लेकिन ये टाइम पर अपने गम को साइड पे रख दिया उन्होंने, उन्होंने ये नहीं सोचे कि आज तो मेरा गम का दिन है, बाद में करेक्ट करूंगा, बल्कि लोगों का बिलीफ खराब हो रहा है, लोगों का ईमान खराब हो रहा है, इमिजिएटली गया और इमिजिएटली जाके उन्होंने समझाया, अपने इमोशंस को साइड पे रख दिया उन्होंने, अपनी बात को समझाया, पुट फॉरवर्ड किया। अब इसमें हम देख रहे हैं जो डेप्थ ऑफ पर्सनैलिटी है ना, वो ये है रियल, ये असल पर्सनैलिटी है। और इसी वजह से हमारा थर्ड पॉइंट है इंटेग्रिटी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।